YouTube चैनल एचआरएस एजुकेशन एंड मोटिवेशन, आप देख रहे हैं बेसिस अपडेट्स। पदोन्नति के बाद ऑनलाइन होगी तैनाती। इस राज्य में शिक्षकों की दाढ़ी, जींस, टी शर्ट, कुर्सी और मोबाइल पर लगाई गई रोक। सरकारी कर्मचारियों का DHR फीसदी बढ़ा। सरकारी ARP विद्यालय समय उपरांत BRC पर देंगे अपनी हाजिरी। प्रदेश भर में होगा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम। निलंबित शिक्षकों पर दोषित होने पर ही बदलेगा विद्यालय। साथियों, गुड न्यूज है, सरकारी कर्मचारियों का DHR फीसदी बढ़ा। प्रयागराज केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया। 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ गया। वर्तमान में महंगाई भत्ता मूल वेतन का 42% है। इस 4% बड़े भत्ते के साथ यह 46% हो जाएगा। 50 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर सीधे लाभान्वित होंगे। AG ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि 12 महीने के औसत सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता तय किया गया है। 1 जुलाई से 4% भत्ता बढ़ा है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स पर यह लागू होगा, जबकि बाद में इसी आधार पर राज्य सरकार भी सूचकांक जारी करती है, जो कि सितंबर अक्टूबर तक जारी होता है। प्रदेश भर में होगा मेरी माटी मेरा देश। लखनऊ मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम एक पुनीत वनोत्सव कार्यक्रम है। मुख्य कार्यक्रम दिल्ली व लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। सभी ब्लॉकों पर एकत्रित मिट्टी के कलश को 23 व 24 अगस्त को लखनऊ और 27 से 29 अगस्त तक दिल्ली पहुंचाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में 9 से 15 अगस्त तक नगर निगम, बालिका परिषद और नगर पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक अन्य बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश भर में बन रहे विश्वविद्यालय के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। यूपी के पड़ोसी राज्य में शिक्षकों की दाढ़ी, जींस, टी शर्ट, कुर्सी व मोबाइल पर लगाई रोक। इस राज्य में DEO ने शिक्षकों की दाढ़ी, जींस, टी शर्ट, कुर्सी व मोबाइल पर लगाई रोक। BR बेगूसराय जिला शिक्षा अधिकारी ने शुक्रवार की देर संध्या एक आदेश निर्गत कर शिक्षकों ने हड़कंप पैदा कर दी। DEO ने एक ही आदेश में एक साथ विद्यालय आने वाले शिक्षकों के लिए दाढ़ी, जींस, टी शर्ट पर रोक लगाने के साथ ही वर्ग कक्ष में मोबाइल ले जाने एवं कुर्सी पर बैठकर पढ़ाने पर रोक लगा दी। दाढ़ी को लेकर शिक्षक संगठनों ने विरोध जताया। तब शनिवार को मुहर्रम की छुट्टी के बावजूद DEO द्वारा शुद्धि पत्र निकालकर आदेश से दाढ़ी बढ़ाने के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। बाकी के सारे आदेश यथावत रहेंगे। जिलाधिकारी शर्मिला राज ने आदेश जारी करते हुए कहा कि स्कूल के शौचालय, खेल मैदान की नियमित साफ सफाई, क्षतिग्रस्त शौचालय की मरम्मत, खेल सामग्री का नियमित रूप से प्रयोग, प्रयोगशाला एवं उपकरण की नियमित साफ सफाई एवं छात्रों के समक्ष प्रदर्शित करने, विज्ञान चार्ट पेपर, भौगोलिक मानचित्र आदि नियमित रूप से सर्वसुलभ स्थान पर लगाने, शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था करने, विद्यार्थियों के बीच शिक्षण कार्य करने हेतु वर्ग रूटीन चार्ट अनिवार्य रूप से विद्यालय में लगाने, वरीयतानुसार कार्यरत शिक्षकों की सूची फ्लैक्स बोर्ड छपवाकर स्कूल में लगाने, कार्यालय में वर्गवार विद्यार्थियों के नामांकन एवं दैनिक उपस्थिति बोर्ड पर प्रतिदिन दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही पॉइंट नंबर 8 में लिखा गया कि वर्ग कक्ष में जाने से पूर्व शिक्षक अपना मोबाइल HM कक्ष में रखकर ही जाएंगे, वह वर्ग में शिक्षण कार्य करेंगे, वही वर्ग कक्ष में शिक्षक कुर्सी का प्रयोग नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 10 पर लिखा गया शिक्षक को जींस टी शर्ट पहनकर स्कूल में नहीं आएंगे एवं दाढ़ी बढ़ाकर नहीं रखेंगे। अगर निरीक्षण के क्रम में ऐसा पाया जाता तो 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। अंतिम पॉइंट नंबर 14 में लिखा गया है कि वर्ग में शिक्षिकाओं के द्वारा भड़काओ ज्यादा चमकीला वस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाए तथा भारतीय परिधान में ही विद्यालय आना सुनिश्चित करेंगे। ARP विद्यालय समय उपरांत BRC पर देंगे अपनी हाजिरी। महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में समस्त ARP विकास खंड रजपुरा जनपद संबल को निर्देशित किया जाता है कि आप विद्यालय समय के पश्चात अपनी उपस्थिति प्रतिदिन BRC रजपुरा पर देंगे। आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। पदोन्नति के बाद ऑनलाइन होगी तैनाती। 3 से 7 अगस्त तक होंगे किए जा सकेंगे आवेदन। लखनऊ राजकीय माध्यमिक विद्यालय में उच्च प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नत पाने वाले शिक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। 3 से 7 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। विभाग ने पिछले महीने राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ता व सहायक अध्यापक पुरुष को उप प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव जी ने बताया कि NIC की ओर से मानव संपदा पोर्टल पर दिए गए लिंक पर शिक्षक आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। निदेशक ने बताया कि पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों को ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग न लेने वाले कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने पर शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी। उन्होंने बताया कि
आवेदन करने में किसी तरह की दिक्कत होगी पर ईमेल ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर स्पेस फॉर 2023@gmail.com वह व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। निलंबित शिक्षकों पर दोष सिद्ध होने पर अब बदलेगा स्कूल। बेस स्कूलों के शिक्षकों के निलंबन के बाद दोष सिद्ध होने पर ही उनकी दूसरे स्कूल में तैनाती की जाएगी। अगर कोई शिक्षक दोष मुक्त होता है तो उसे विद्यालय में फिर से पढ़ाने का मौका मिलेगा। प्रसिद्ध स्कूलों के शिक्षकों के निलंबन के बाद बहाल होने पर अब उन्हें विद्यालय का आवंटन पोर्टल से किया जाएगा। पहले किसी मामले में प्रसिद्ध स्कूलों के शिक्षकों का निलंबन होता था तो उन्हें BRC पर अटैच कर जाँच कराई जाती थी। जांच पूरी होने के बाद उनकी बहाली BSA के माध्यम से ही होती थी। इसमें काफी शिकायतें मिल रही थी। इसे देखते हुए शासन के नियमों में बदलाव कर दिया गया। निलंबन के बाद अगर शिक्षक दोषमुक्त होता है तो उसे उस विद्यालय में तैनाती दी जाएगी। निलंबित शिक्षक पर दंड लगाते हुए बहाल किया जाता है तो उसे पोर्टल के माध्यम से जिले के शून्य शिक्षक वाले स्कूल या एकल अध्यापक वाले विद्यालय में तैनाती दी जाएगी। इस समय जिले के 6 शिक्षक निलंबित चल रहे हैं। निलंबित शिक्षकों की बहाली के संबंध में शासन ने नियमों में बदलाव किया है। नए निर्देशों और नियमों का अनुपालन कराया जाए। जांच में दोष मुक्त होने पर वही विद्यालय मिलेगा तथा दोष सिद्ध होने पर दूसरे स्कूल में तैनाती होगी BSA। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती रहे। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।